तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं GTL इंफ्रा का Q3 रिजल्ट के बारे में। सर देखिए, रिजल्ट तो कल ही आ गया था, पर मैं आपको कल वीडियोस नहीं दिया, वीडियोस आज दे रहा हूं। और मुझे पता है जो लोग मुझ पे विश्वास बनाए रखे हैं वो मैं उनको अपडेट अगर कुछ दिन के बाद भी दूं तो मैं सही ही अपडेट दूंगा, और अगर अपडेट इतना ही इम्पोर्टेंट हो वो अपडेट सबसे पहले दूंगा। लेकिन अपडेट इम्पोर्टेंट है नहीं तो हमें ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर बात करना है, लेकिन फिर भी आप लोग का ही रिक्वेस्ट है तो मैं GTL के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं सर, कि यहाँ पर Q3 का जो रिजल्ट आया है यहाँ पर इसको लेकर के शेयर में आपको क्या देखने को मिलेगा, तेज़ी या गिरावट। एक बात मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसा Q3 का जो रिजल्ट आया है, ये मानो ऐसा नहीं है कि जैसे कंपनी पहले से बेहतर है और Q3 का जो रिजल्ट आ रहा है उसको सुधारने आ रहा है या फिर उसे बिगाड़ने आ रहा है। कंपनी की हालत पहले से बिगड़ी हुई है, अगर Q3 का रिजल्ट बुरा भी आता है ना तो कंपनी पे वही हालत रहेगा बना हुआ जो पहले से बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा Q3 का रिजल्ट दिखा दे रहा हूँ, मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चल रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से ये चीज़ों को सीख पाएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सर, यहाँ पर हम लोग GTL का जो Q3 रिजल्ट आया है हम लोग उसी पेज पर हैं। ये देखें, ये GTL का ही है और मैं आपको लैपटॉप पे समझा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए आपको भी हर एक चीज को देखना। यहाँ पर आप लोग देखेंगे 31 दिसंबर 2021 को इनका जो रेवेन्यू था सर वो यहाँ पर 37 की थी, जो कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे 30 सितंबर को 2022 में तो आप पाएंगे घट करके हो गया है 36, यानी यहाँ से पूरा के पूरे एक गायब है 37 और यहाँ 36। ठीक उसी प्रकार अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे 31 दिसंबर 2022 को यहाँ पे तो आप पाएंगे कि ये बचा है मात्र 36 और यहाँ पर 414, यानी इस तरफ था 447 और यहाँ पर है 414, यानी माइनस इस बार भी हुआ है कंपनी को। एक्चुअली में ये करोड़ों में होता है तो मैं करोड़ों में काउंट करके ना बता करके आपको इजी तरीके से समझाने के लिए इस तरीके से समझाया, ताकि आप लोग भी एक समय पे कभी भी अगर Q3 या Q2 रिजल्ट आए तो ये चेक कर लेना, बस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू होता है ना वो यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये सॉरी नेट इनकम, ये वाला कंपनी का जो नेट इनकम है वो कितना हो रहा है आपको बस यही देखना होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये भी यहाँ पे ज़्यादा था जो कि यहाँ कम हो गया और यहाँ कम हो गया। और ये सिर्फ 3 साल का ही नहीं बल्कि अगर पीछे भी देखें तो यहाँ पर 110 था जो कि यहाँ 109 हो गया, यहाँ पर और कम हो गया। यानी कंपनी जो है साल दर साल अपना जो टोटल इनकम है उसे घटाते आ रही है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सर कि कंपनी ने खर्च कितना कर दिया पैसा, कमाना तो ठीक है लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी ने जितना कमाया नहीं ना यहाँ पर, उससे ज़्यादा यहाँ खर्च कर दिया है। जरा आप यहाँ पर देखें 57, उसके बाद फिर 68 और उसके बाद फिर 82, मतलब साल दर साल इनके खर्च जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन एक बात है, आप यहाँ पे देखेंगे तो इनका खर्च बहुत ज़्यादा था जो कि इधर कम हुआ, लेकिन फिर से कंपनी का जो खर्च है वो बढ़ रहा है। बाकी सर यहाँ पर नेगेटिविटी ही सिर्फ हमें देखने को मिल रहा है, कोई भी पॉजिटिविटी शेयर में नहीं दिख रहा है हमें। तो अब देखिए सर, मानकर चलिए अगर कोई एक ऐसा कंपनी होता जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमें Q3 या फिर Q2 रिजल्ट जो आते हैं इनके हिसाब पर निवेश करना होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइप के जो कंपनी होते हैं उनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब Q3 या Q2 का रिजल्ट आता है ना तो निवेशक क्या करते हैं, अगर Q3 का रिजल्ट पॉजिटिव है तो निवेश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब Q3 का रिजल्ट आया है तो सारे लोग एक साथ पैसा लगाएंगे, किसी ना किसी का तो प्रॉफिट हो ही जाएगा। लेकिन अब एक ऐसा स्टॉक में हम लोग Q3 का रिजल्ट को लेकर के ये सोच लेंगे कि अगर Q3 का रिजल्ट खराब आ गया, यानी GTL का Q3 का रिजल्ट नेगेटिव है, कोई इसमें आपको अच्छाइयाँ दिख ही नहीं रही है सर, तो यहाँ पर क्या शेयर गिर जाएगा? शेयर तो सर पहले से ही गिरा हुआ है और वो क्या ही गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर GTL को लेकर के आपको ऐसा नहीं है कि शेयर एकदम 50 पैसे पे चला जाएगा या 30 पैसे पे चला जाएगा, नहीं, वही 10 पैसा 15 पैसा ड्रॉप होगा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर से शेयर जो है अपने आप को रिकवर कर लेगा, ठीक है। मैं आपको क्या कहता हूं सर, जीटीएल में रुकना है तो सिर्फ एक ही बात पर, वो है इनका आने वाला काम। जिस दिन अगर इनको काम नहीं मिला, समझ लीजिएगा हमारा पैसा डूब चुका है। अब मैं पैसा लगाया ही हूं डुबाने के लिए, बस रिस्क है और एक आस है कि अगर कंपनी को काम मिल गया और इस कंपनी को सपोर्ट के लिए कोई बड़े इन्वेस्टर जो है वो तैयार हो जाते हैं, तो यहाँ पर लॉटरी लगने वाली बात हो जाएगी फिर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर निवेश करें, और निवेश भी करने के लिए कह रहा हूँ तो छोटा अमाउंट ना कि बड़ा अमाउंट। Q3 को रिजल्ट को लेकर के क्या आपको निवेश करना चाहिए? नहीं, मैं एक ही बात कहूँगा, चाहे Q3 का रिजल्ट आ जाए, चाहे कोई गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ आ जाए, शेयर में आपको तेजी नहीं दिखेगा। तो शेयर में भाई तेजी कब दिखेगा? तो तेजी तभी दिखेगा जब इनको काम मिलेगी और कंपनी ये सारी बातें खुद कंफर्म करेगी, और इसमें बड़े इन्वेस्टर जब एंट्री मारेंगे तभी कुछ होने वाला है सर जीटीएल इंफ्रा का। वरना ये जो शेयर है ऐसे ही चलते रहेगा और कुछ भी नहीं होगा इस स्टॉक में। तो सर मैंने आपको यहाँ पर Q3 का जो रिजल्ट है वो बता दिया, इसके बाद करना क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है सर। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय द वे, लव यू ऑल। जब तक के लिए बाय बाय।